अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ इकबाल। आज मैं फिर आपके लिए एक बहुत ही मज़े का वीडियो लेके आया हूं, जिसमें आप Adobe Photoshop में एक्शन किस तरह इस्तेमाल कर सकेंगे उसका मैं तरीका बड़े ही आसानी से बताऊंगा। इस एक्शन में आप ये एक्सपीरियंस करेंगे कि आप अपनी पोर्ट्रेट को किस तरह रियलिस्टिक पेंसिल स्केच में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो मैं एक्शन बताने वाला हूँ वो बिल्कुल भी फ्री नहीं है। अगर आप उसको परचेज़ करना चाहें तो वो समथिंग $9 का मिलेगा आपको। अगर आपको वो अच्छा लगे तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आसानी से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपको एक्शन इस्तेमाल करने का तरीका, सेकंड उसको Adobe Photoshop में किस तरह ऐड करते हैं उसका तरीका मैं बताऊंगा आज। अगर आप में से किसी ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो भी ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने बताया है कि आप किस तरह अपना यूट्यूब वीडियो थंबनेल बना सकते हैं। नंबर वन है, सबसे पहले आप जाएंगे जी इमेज में, फिर आप जाएंगे मोड में। आपको ये मेक श्योर होना चाहिए कि आपका कलर RGB हो और 8 बिट चैनल पे हो। स्टेप नंबर टू है मेरा, हम जाएंगे इमेज साइज में। जब जाएंगे तो हमें हमारे पास ये इसका इस साइज की प्रॉपर्टी आ रही होगी, हमने इसको चेंज करना है पिक्सल में। इस टाइम जो करंट साइज इस इमेज का मेरे पास आ रहा है 5184x3456, और इसकी रेजोल्यूशन जो है वो 300 आ रही है। विड्थ एंड हाइट को चेंज करना होगा, मेक श्योर रहे कि ये आपका जो है लॉक पे रहे। आपने टाइप करना 3200 और नीचे आपने 2000। स्टेप नंबर थ्री है जी हमारा कि हमारे पास ये जो लेयर है ये बैकग्राउंड लेयर इस तरह आनी चाहिए और लॉक के साथ। समटाइम ये होता है कि कुछ लोग इसका अनलॉक कर देते हैं, एक्शन जो है वो वर्क नहीं करता। अगर आपके पास इस तरह आ रहा है, इधर लेयर में जाएंगे, न्यू में जाएंगे और बैकग्राउंड फ्रॉम लेयर, आप इसको इस तरह कर देंगे तो आपकी बैकग्राउंड लेयर बन जाएगी लॉक के साथ। स्टेप नंबर फोर में आपने पैनल ऑप्शन में जाना है, ये हमारे पास ये लेयर बॉक्स आ रहा है, इसके जो यहाँ पे क्लिक करना है आपको यहाँ पे मिलेगा पैनल ऑप्शन। पैनल ऑप्शन में आपने ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि ये हमारा चेक हो, तीनों ऐड कॉपी, स्पेशली ये वाला ऐड कॉपी टू कॉपीड लेयर एंड ग्रुप, ये आपका चेक होना चाहिए तीनों। स्टेप नंबर फाइव ये है कि हम अपनी एक्शन विंडो को लोड करने के लिए हमें विंडोज़ में जाना होगा। विंडोज़ में यहाँ पे आपको पास एक्शंस आ रहे होंगे, आप इसकी शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं Alt F9 के साथ। अब सिंपल इसको क्लिक कर दें, जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह एक एक्शन विंडो आ रही होगी। एक्शन विंडो लोड करने के बाद आपने एक्शन फाइल को लोड करना है इसके अंदर, ये करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, हम लोड एक्शन करेंगे। लोड एक्शन में हम जाएंगे अपने डेस्कटॉप पे, ये एक्शन फाइल है, हम इसको लोड करेंगे। लोड करने के बाद इस तरह हमारे पास फाइल्स आ जाएंगी फोल्डर के साथ, ठीक है, एक इस तरह आपके पास आएगा। एक्शन फाइल लोड करने के बाद हमने प्रीसेट मैनेज में जाना है, सबसे पहले हम जाएंगे एडिट में, प्रीसेट मैनेजर में जाके हमने यहाँ से ब्रश सेलेक्ट करना है और लोड करना है, वो हमारी सेम फोल्डर में है जो हमने डेस्कटॉप पे रखी है, हम इसको डबल क्लिक करेंगे, पेंसिल स्केच आर्ट ब्रश के नाम से वो फाइल लोड करेंगे हम। सेकंड, हमने इस विंडो को क्लोज नहीं करना, हमने पैटर्न में जाना है, इधर से सेलेक्ट करेंगे हम पैटर्न, फाइल भी सेम उसी फोल्डर में है, ये देखिए पेंसिल स्केच आर्ट पैटर्न्स, आप इसको जस्ट लोड कर लेंगे। लोड होने के बाद आपने इसको डन कर देना है। इसके साथ मैं आपको बताता चाहूँगा पेंसिल स्केच के अंदर कितनी फाइलें हैं, एक ब्रश है, एक पैटर्न है और एक एक्शन एक्चुअल फाइल है। तीनों फाइलों को हमने वन बाय वन लोड कर लिया है।
ये फाइलें आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ब्रश एक्शन और पैटर्न फाइल लोड करने के बाद हमको एक न्यू लेयर क्रिएट करनी है। हमने इस लेयर को रीनेम करना है, हमने लिखना है ब्रश। स्टेप नंबर 9 में आपने ब्रश टूल को पिक करना है। इधर से ये मेरा ब्रश टूल है, आपने ब्रश टूल पिक किया। सबसे पहले आपने उसका फ्लो चेक करना है, फ्लो 100% हो। सेकंड ओपेसिटी जो है वो भी 100% हो। ब्रश प्रॉपर्टी में जाएंगे इधर से, यहाँ से आप अपनी मर्जी से साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं, और स्पेशली जो हार्डनेस है वो 0% ही होनी चाहिए। ब्रश कलर जो है वो रेड करना है। इधर से हम रेड कलर सेलेक्ट कर लेंगे और ओके। थोड़ा सा ब्रश साइज बड़ा करेंगे, अराउंड 50 के, 80-100 भी कर सकते हैं आप, जितना आपको चाहिए होगा। आपने ब्रश टूल पकड़ा है, कलर उसमें आपने रेड दिया है, आपने ये लेयर को सेलेक्ट करना है और पेंट करना शुरू कर देना है जिस एरिया को आपने स्केच करना है इस पिक्चर में। रेड कलर पेंट करने के बाद हमने एक्शन फाइल को प्ले करना है। प्ले करने के लिए आप एक्शन विंडो में जाएंगे, इधर क्लिक करना है पेंसिल स्केच आर्ट पीएस एक्शन पे, और ये नीचे प्ले का बटन है, आपने सिंपल इस प्ले बटन को क्लिक करना है। एक्शन कंप्लीट हो गया है, इस स्केच को आप एडिट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरी बैकग्राउंड कलर है, अगर मैं इसकी ओपेसिटी चेंज करूंगा इधर से तो वो हमारी कलर फोटो में ब्लेंड होना शुरू हो जाएगी। अगर आपको 100% ब्लैक एंड वाइट चाहिए तो आप वो भी रख सकते हैं, अगर आपको कलर चाहिए इधर से आप मूड भी चेंज करके आप देख सकते हैं इसका कलर। ये हमारे स्केच है, आउटर लाइन है, पेंसिल हैच लाइंस, आप इनको भी एडिट कर सकते हैं। अगर आपको ये थोड़ी सी थिक लग रही हैं, आप इसकी ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं इधर से। आप हर लेयर को इंडिविजुअली आप एडिट कर सकते हैं। फेस के ऊपर अगर आपको ये एक्स्ट्रा लाइंस अनोइंग लग रही हैं तो आप इसको भी अरेज कर सकते हैं। मूव टूल पकड़ना है और आपने ये देखना कि ये लाइंस कौन से ग्रुप में है, वन बाय वन चेक करना है जहाँ से हाइड हो। ये मेरे इस ग्रुप में है, तो आप सिंपल ये करेंगे कि आपके पास ऑलरेडी ये मास्क लेयर क्रिएट है, आपने ब्रश टूल पकड़ना है, ब्रश प्रॉपर्टी में जाना है, इधर से जनरल ब्रश में जाना है, सॉफ्ट राउंडेड ब्रश लेना है, इसका साइज़ 100 तक करना है, हार्डनेस इसकी 0 करनी है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मास्क को कैसे यूज़ करते हैं, किस तरह पेंट करते हैं। अगर आपके पास ये वाइट है तो आपने ब्लैक पेंट करना है, मेरे पास इधर ऊपर ब्लैक कलर होना चाहिए। ब्लैक करने के लिए आप इसको सिंपल क्लिक करके यहाँ से कलर चूज भी कर सकते हैं, शॉर्टकट की है एक्स के साथ भी आप चेंज कर सकते हैं, हमें ब्लैक चाहिए। इधर हमने इस लेयर को सिलेक्ट किया, ब्रश साइज छोटा किया थोड़ा सा, और यहाँ पे पेंट करना शुरू कर दिया। जहाँ जहाँ पे आपको ये लग रहा है कि ये बड़ी अनोइंग सी लाइंस है जो हमें मसला कर रही है, अपने उसको इस तरह से रिमूव करना शुरू कर देना है। अब हम सेकंड इमेज को हम करते हैं, सेम सेटिंग करनी होगी स्टेप बाय स्टेप, इसके तकरीबन टोटल 10 स्टेप्स हैं। Thank you.
दोस्तों ये था आज का ट्यूटोरियल, होप कि आपको पसंद आया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।